امين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في موضع اخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في من الخاسرين. इस्लाम दीन फ़लंकमिनफ़िल السلام عليكم अलकुम الله وبركاته محترم ناظرين وسامعين कराम आज के इस खुशगवार दिन में वैसे तो हर दिन खुशगवार ही होता है लेकिन जो मैंने लफ् इस्तेमाल किया है लफ् खुशगवार एक ख़ास वजह के लिए किया है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी वजह से मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज हमारे साथ मुसलमानों के दिलों की धड़कन अहले दानिश और बिलखसूस नौजवानों के दिलों की धड़कन जिनका नाम सुनते ही और उमरतद्दीन और कुफ़ार के दरमियान कप कपी तारी हो जाती है यूँ कह लीजिए कि अधियाान बातिला के दरमियान एक लर्जा सा तारी हो जाता है हज़रत हजियान बातिला के खिलाफ एक आह एक बरहना तलवार की तरह है तो सबसे पहले मुसलमानों के महबूब उस्ताद अकायद हजरत डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब तहमद फयूज आलिया हमारे साथ मौजूद हैं अल्लिक्वर वर्का मुफ्ती साहब वाले वरहमल वर्का सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आपका खैर मक़दम करता हूँ अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए अल्लाह आपके इसकामत नसीब फरमाए और आपका साया मुसलमानों पर तदे क़ायम रखे हम आपके शुक्र गुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए एक मौका इनायत फरमाया हालांकि हम आपकी फरसती से वाकिफ़ हैं सबसे पहले तो मैं एक बात कहता चलूँ कि देवबंद की सरजमीन ने हमेशा उम्मत को हीरे दिए हैं उन्हीं हीरों में से एक हीरा आज हमारे साथ मौजूद है जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि कुफ़ार जानते हैं कि इस्लाम के आगे एक आहनी दीवार हैं देवबंद वही एक आहनी दीवार आज हमारे साथ मौजूद है चलिए आज हम हजरत से कुछ सवालत करते हैं चंद अपनी गुजारिशात रखते हैं हजरत से आप भी समाज फरमाएँ सबसे पहले तो हम और अक्सर लोग आपको सोशल मीडिया के वास्ते से जानते हैं सोशल मीडिया से हमें आपके कंटेंट का पता चला आपके काबिलियत का पता चला तो आप सोशल मीडिया पर आने से पहले भी पब्लिकली ये काम करते थे या फिर सोशल मीडिया पर आने के बाद ही इस काम की शुरुआत हुई नहीं असल में ये काम शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर ही और ये अलग बात है कि मैं सोशल मीडिया पर उस वक्त से हूँ कि जिस वक्त बिल्कुल सोशल मीडिया का आगाज़ हुआ था यानी समझ लें कि 2007 या 8 से मैं सोशल मीडिया पर आया हूं फेसबुक वगैरह पर और उस जमाने में और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते थे मुझे याद है अच्छी तरह कि ये बात गालिबा दो हज़ार दो या तीन की होगी उस ज़माने में चैट ग्रुप्स हुआ करते थे याहू के याहू जो मशहूर प्लेटफॉर्म है तो वो उस ज़माने का सोशल मीडिया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मैं एक चैट ग्रुप में था जो जिसका टाइटल था इस्लाम उसमें आके कोई भी किसी से भी बहस कर सकता था वो सब टाइपिंग में होता था तो मेरी गफ्तु एक मरतबा नाइन एलेवन के हवाले से एक अंग्रेज़ से हुई कि जो मुसलमानों को ये ब्लेम कर रहा था कि वो नाइन एलेवन के जिम्मेदार हैं तो वहाँ वो समझ लीजिए वो मेरा वो पहली गफ्तु है जिसमें मेरे सामने ये था कि मैं मुसलमानों के केस को डिफेंड करूँ और उस ज़माने में मैं किताब भी लिख रहा था 2003 की बात है कि मेरी किताब ग्लोबलाइजेशन और इस्लाम आई जिसमें मैंने बड़ी तफसील से इस मौजूद का जायज़ा लिया है तो अलहमदिल्ला अब दलाइल बहुत थे और मुझे ऐसा लगा कि उसके पास सिवाय इमोशनल आर्गूमेंट के और कुछ नहीं है तो यहाँ से आगाज़ हुआ है आ, उसके बाद सोशल मीडिया में तरक्की आती गई नए नई चीज़ें आती गईं तो हम उन नई नई चीज़ों को इख्तियार करते गए मेरे मेरा नज़रिया और मेरा मानना ये है के बातिल जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से उसका मुकाबला करना ज़रूरी है और वहीं उसको उस, उसकी नाक में नकील डालना ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया को बिल्कुल इस तरीके से छोड़ देंगे तो आप तो हट जाएंगे लेकिन जो लाखों करोड़ों मुस्लिम नौजवान इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं वो आपके हटने की वजह से नहीं हटेंगे वो उस कंटेंट से जो बातिल और जो मतद्दीन और मिद्न क्रिएट कर रहे हैं वो उससे मुतासर होंगे तो हमारा वहां रहना और इस मौजू पर उस में उस जगह काम करना अजहद जरूरी है जी। आपकी हजार एक की से, आप जो एक काम कर रहे हैं के खिलाफ, आपके पूरी टीम है या अकेले आप चले तो थे हम अकेले ही लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कारवा बनता गया कुछ लोग जो हम ख्याल थे और यानी उनका नसबुल भी यही था तो वो लोग भी साथ में मिल गए और माशाल्लाह एक टीम बन गई है ये कोई ऑफिशियल टीम नहीं है यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी तंजीम के तहत काम करते हैं बस ये है कि कुछ हम ख्याल लोग हैं तो उन्होंने अपना एक टीम बना ली और उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी टीम में फिर मुख्तलफ मुख्तलिफ उजहात शख्सियात हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो तारीख़ के ऊपर महारत रखते हैं उनका इकतसास तारीख़ है कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉडर्निटी में अखसास रखते हैं कुछ लोग इल्म हदीस में कुछ लोग फ़िकी मालूमत ज़्यादा रखते हैं वगैरह वगैरह तो इससे क्या होता है कि जब आपके पास अलग अलग फ्लेवर के और अलग अलग इख्तसास के माहरीन हैं तो फिर मुर्तदीन का चूंकि मिलिद्न और मर्तद्न का एतराज़ कुछ भी हो सकता है वो तारीख से भी रिलेट हो सकता है वो हदीस से भी मुत्ल हो सकता है कुरान से भी तो अगर आपके पास पूरी टीम है तो फिर उनका जवाब देने में हमें आसानी होती है जी सर सब चूँकि आपका काम अधान बाला के ख़िलाफ़ है तो इन अध्यान बातला में बहुत बड़े फितने भी हैं बहुत बड़, बहुत बड़े बड़े फितने हैं उन बड़े फितनों में इरतजात का फितना है इलाहा का फितना है तो कुछ मुसलमान इर्तदात का शिकार होकर किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लेते हैं कुछ मुसलमान इलाहा का शिकार हो जाते हैं बिल्कुल मज़हब को ही छोड़ देते हैं तो इसकी क्या वजह है वो इस्लाम को पढ़ते नहीं या पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं दोनों ही वजह हैं और देखिये इलाहा की जो सबसे बड़ी वजह इस वक्त पूरी दुनिया में है वो चाहे मुसलमान मुल हो रहे हों या ईसाई मुल हो रहे हों खुदा का इनकार उसकी बुनियादी वजह है प्रॉब्लम ऑफ ईवल और प्रॉब्लम ऑफ ईवल का मतलब यह होता है कि उनके जहन में यह बात होती है कि भाई खुदा ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया मसलन किसी की जिंदगी में कोई परेशानी आ गई कोई उसका करीबी मर गया किसी के बच्चे का इंतकाल हो गया किसी की शादी टूट गई वगैरह वगैरह तो ये जो मसाहब आते हैं तो उससे परेशान होकर ये लोग ये सोचते हैं कि भाई खुदा ने इस इम्तिहान के लिए मुझे क्यों चुना आ, अगर खुदा रहम दिल है तो उसको मेरे ऊपर रहम करना चाहिए था अगर वो रहमान और रहीम है और अगर रहमान और रहीम है तो या तो उसकी कुदरत कामिला कामिला नहीं है कि उसने कुदरत कामिला का इख्तियार करके यानी मेरे मसाइब को ठीक नहीं किया या ये कि कादिर तो है लेकिन रहमान नहीं है तो ये जो मसला है ये उन लोगों को परेशान करता है और इसकी वजह से वो दीन के मुनकिर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू होते हैं मैं जितने मुतद्दीन और मुरदीन से अभी तक मिला हूँ नाइन्टी नाइन परसेंट ये मान के चले ऐसे ही हैं कि जो इस मेंटल प्रॉब्लम की वजह से इस मेंटल डिलेमा की वजह से जो लोग इर्तदाद का शिकार हुए हैं का शिकार हुए हैं एक आध परसेंट कुछ लोग होंगे कि जो खालिस फिक्री बुनियादों पर इर्तदात का शिकार हुए कि जिन्होंने कुरान पढ़ा उनको लगा कि भाई ये कुरान जो है वो मॉडर्न साइंस के मुताबिक नहीं है इसमें साइंटिफिक एरर्स हैं वगैरह वगैरह तो वो इर्तदात का शिकार हो गए लेकिन ऐसे लोगों की तादाद एक फीसद से ज्यादा कम से कम मेरी मालूम के मुताबिक नहीं है अंदर तबके हैं इनके अंदर तबके दो ही हैं या तो वो हैं जो मेंटल ट्रॉमा की वजह से मर्तद हुए हैं या वो वो हैं कि जो साइंस से मुतासर होकर मर्तद हुए हैं और साइंस से मुतासर होने वाले दरअसल साइंटिज्म एक है, उसका शिकार है और उसकी वजह से ये लोग मर्तद होते हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है अच्छा की वजह से इनको वापस लाना क्या ये मुमकिन है मुमकिन है बहुत से लोग आते हैं और आमतौर से जो लोग मेंटल ट्रामा की वजह से मर्तद होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं जो लोग दलाइल की वजह से मर्तद होते हैं वो फौरन वापस आ जाते हैं क्योंकि मेंटल ट्रामा जो है वो जाते जाते वक्त लेता है आ, एक साहब ने मुझसे राबा किया और उन्होंने कहा कि वो मेरी वीडियो देख देख कर वापस उन्होंने कलमा पढ़ा है और अलहमद इस्लाम में दाखिल हुए तो मेरी उनसे बात हुई मैंने उनसे पूछा कि आप कितने साल मर्तद रहे तो उन्होंने कहा कि मैं सात आठ साल मुरतद रहा अच्छा क्यों रहे वो इसलिए रहे कि भाई कोई उनकी फैमिली में हादसा हो गया था और उसकी वजह से उन्होंने अल्लाह ताला को ब्लेम करना शुरू किया और ये कि भाई ना इंसाफ़ी हुई है उनके साथ वगैरह वगैरह और यहाँ तक कि वो अल्लाह के मुनकर हो गए लेकिन होता क्या है कि जब ये लोग खुदा के इंकार करते हैं तो इस इनकार के लिए उनको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन चाहिए होती है कोई ना कोई दलील चाहिए होती है उसके लिए लोग मुर्तद्दीन के चैनल पर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि अच्छा कुरान पर भी एतराज़ हो रहा है हदीस पर भी एतराज़ हो रहा है रसूल वसल्म की अखाकियात पर भी एतराज़ हो रहा है तो इनको वो दलाइल मिल जाती है समझते हैं कि हमारा जो फ़ैसला है दीन छोड़ने का वो बिल्कुल ठीक है तो जब फिर हमारी दलीलें उनके ख़िलाफ़ मिलती हैं तो इनको टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में उसको समझने में बाज़ मरतबा एक साल बाज़ु मरतबा दो साल इन साहब को तीन चार साल लगे आ, वापस इस्लाम में लेकिन जब ये लोग वापस आते हैं तो बहुत ही बसीरत के साथ और मजबूती के साथ ये फिर इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। अच्छा गोया कि ये जो बातें करते हैं नहीं। नहीं। मिसाल कोई हादसा हो जाता है तो कहते हैं भाई अल्लाह ने हमारे साथ ना की है नहीं। नहीं। तो ऐसी एक गलती हमारे माशरे में भी पाई जाती है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो औरतें कहती हैं कि भाई ये इसी को ले जाना था अल्लाह तबार तो ये यहीं से इसकी शुरुआत होती है यहीं से शुरुआत होती है बिल्कुल जी ही होता है कि बाज़ मरतबा तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग ये कह देते हैं कि भाई बड़े गलत गलत वक्त पे गया बंदा हालांकि जिस वक्त वो बंदा गया है वही उसका वक्त था बिल्कुल तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तय है और जो मामला अल्लाह की तरफ से तय हो गए हैं उनमें इस तरह के जुमले निकालना भी बेअदबी और गुस्ताखी है तो ये जो फितना इरतदाद और फितना इल्हाद है इस पर हमारे एशिया के उलमा का क्या है फिलहाल तो कोई नहीं है अच्छा और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी वो बेदारी और अवेयरनेस जो होनी चाहिए इस ताल्लुक़ से वो नहीं है मैंने मैं जब भी बड़े वलमा से बात करता हूँ तो मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि इस फितने का मुकाबला उसी तरीके से करना ज़रूरी जरूर, है जैसा कि कादिनीत का किया गया और जब तक कादिनीत ने कि वदारस की सतह पर नहीं हुआ तब तक कि इस मुकाबले में मुसलमान कामयाब नहीं हुए यानी मदारस को इसमें आना ज़रूरी है तलबा मदारस को आना ज़रूरी है और हर हर मदरसे में इसका एक शोबा कायम होना जरूरी है अब जैसे दार्लम दियोबंद में रद्द कादियानियत का है और भी मुख्तलिदारस के अंदर है उसकी वर्कशॉप्स होती हैं कॉन्फ्रेंसिस होती हैं बाकायदा दारालूम में मुख्तु मदारस के तलबा शाबान में आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं हर साल का ये मामूल है तो इसका मतलब ये है कि उसके तल्लु से एक अवेरनेस है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस गलत है भाई जाहिर है कि कादियानियत का फितना इतना सर उभारे हुए है तो आपको अफराद चाहिए तो जिस तरीके से उधर अफराद चाहिए इधर भी अफराज चाहिए लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम उधर तो अफराध देने में तैयार हो यानी कामयाब हो गए इधर अभी तक इसलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़े हैं वमा हजरा हैं शायद उनके जहन में ये है कि इर्तदाद का मुकाबला करने के लिए जदीद तालीम का होना ज़रूरी है साइंस का जानना ज़रूरी है वगैरह वगैरह मैं ये तो नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप 100 परसेंट आपके पास ग्रेजुएट्स हों और जनाब एमए ए किए वो पीएचडी एच किए वो हों जदिह तालीम में तब जाकर आप मुकाबला करेंगे नहीं, नहीं। चंद असूल चंद चीज़ें हैं अगर वो हम अपने तलबा को पढ़ा दें तो बहुत हद तक के वो कामयाब हो सकते हैं मदारस के अंदर इस शोबे के कायम करने की जरूरत है बिल्कुल बहुत सख्त ज़रूरत है और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो मुसलमानों के तहत जो कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका निसाब जो है उनका जो सेलेबस है पूरा स्कूल है पूरा कॉलेज है तो आप ये काम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई क्यों करेगा इस तरह मदारिस, के में भी होना चाहिए। मदारिस का निसाब बिल्कुल अलग है देखिए मदरसे जो हैं दो तरह के हैं एक तो जिनको हम मकातिब कहते हैं मकातिब में अगर आप स्कूल की तालीम ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है और एक है मदारिस के जिसमें मदारिस में भी वो दर्जात के जहाँ आप इख्तसास का आ, यानी, के लेवल पर पहुंच जाते हैं वहां पर फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है अब तो बहरहाल बहरहाली दियोबंद में भी और जैसा कि ऐलान हो चुका है कि यानी जो दुनियावी तालीम जिसको हम कहते हैं इंटर वगैरह ये लोग उसको उसका इजाफा करेंगे बहरहाल अब वक्त की जरूरत है कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन इर्तदाद का मुकाबला करने के लिए जरूरी नहीं है जी अच्छा ये तो आपने पर इरतदा पर थोड़ी रोशनी डाली आपके चैनल पर ये वीडियोस तमाम मौजूद हैं अलहद ला हम देखते भी हैं हमारे साथी भी देखते हैं और बहुत मुतासर हैं आपसे यूथ आपसे बहुत मुतासर है अब जब कल हमने लाइव सेशन का फैसला किया तो हमें चंद साथियों के फ़ोन आए तो उन्होंने एक बात कही कि हज़रत मुफ्ती साहब से आप एक गुजारिश करें एक रिक्वेस्ट करें कि कुरान करीम पर जो एतराज किए जाते हैं वैसे तो आप उनके एतराज के जवाब जवाब तो दे देते हैं लेकिन कुरान करीम पर जो तमाम एतराज़ा हैं जैसा कि छब्बीस आयतों पर जो कुछ सालों पहले एतराज हुआ था तो इन एतराज के जवाब के लिए अलग से एक प्ले लिस्ट बनाई जाए ठीक हाँ ये बात सही है कि प्ले लिस्ट अलग अलग मौजूद पर कि भाई हदीस पर एतराज हैं तो फिर कुरान पर एतराज़ हैं ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इन शाह इसके तल्लु से कोशिश की जाएगी थीक। 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 एक बात ये भी देखी जाती है कि आपकी तरफ से जब एतराजा के जवाब दे दिए जाते हैं और उनमें लाजिक होती है और लाजिक से बड़े होते हैं हिमत से बड़े होते हैं लेकिन फिर भी सामने वाले मतरिज वो मानने के लिए तैयार नहीं होता और जाते जाते वो शुकू को शुभ पैदा कर जाता है तो क्या ऐसे लोगों को उनकी हालत पर छोड़ देना चाहिए या मज़ीद उनको समझाना चाहिए देखें हमारे हमारी जब लाइव स्ट्रीम होती है तो हमारे सामने दो तरह के लोग होते हैं एक तो वो बंदा के जो हमसे उलझ रहा है बहस कर रहा है और हमारी हमारी दला, हमारे दलाइल की क़ुत या हमारा अंदाज गुफ्तगु दरअसल उसके अंदाज गुफ्तु और तर्ज तकल्लुम के ऊपर डिपेंड करता है मान लीजिए अगर वो इस मकसद से आया है कि वो हमें खामोश कराए इस मकसद से आया है तो हम भी उसको खामोश कराएंगे ठीक है अगर वो हमें इस इस मकसद से आया है कि वो इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी जैसी भी दलील दे तो हमारा मकसद ये होगा कि हम उसको इल्ज़ामी दलील से खामोश करें इल्ज़ामी दलील से तहकीक दलील उसके लिए नहीं है हम ये पहला ऑडियंस दूसरे ऑडियंस हमारे वो हैं जो सुन रहे हैं ये बड़ी तादाद में है उनके ताल्लुक से हमारी नीयत ये होती है कि इस कॉन्वर्सेशन और गुफ्तगू से इनको ये महसूस हो कि इस्लाम के पास दुनिया के हर एतराज का जवाब मौजूद है वो चाहे इल्ज़ामी शक्ल में हो या तहकीकी शक्ल में हो इल्ज़ाम का जवाब एतराज़ का जवाब मौजूद है तो दो तरह के लोग होते हैं तो कहने का मकसद ये है कि अब अगर एक आदमी जो हमसे कटहुज्जती कर रहा है इसको कठहुजती कहूँगा मैं और हमने उसको जवाब दे दिए खामोश कर दिया इसके बावजूद भी वो आ, बाज नहीं आ रहा है तो हम उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हम उसको हिदायत दें हमारा काम यह है कि हम उसको सही रास्ता दिखला दें कबूल करना ना करना उसका काम है सही बात सब अधान बातला पर आप अधान बादला की तरफ से एतराजा किए जाते हैं उनमें से एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि आप लोग यानी मुसलमान आपके जो रामा हैं आपके जो इस्कालर हैं मजहबी इसकालर वो सोशल मीडिया पर आकर इस्लाम के हकानियत को साबित करते हैं तो आप अपना इस्लाम हम पर क्यों थोप रहे हैं मैं नहीं समझता कि इसको इस्लाम थोपना कहा जाता है इस्लाम थोपने का मतलब ये है कि हम आपके घर में घुसे और बंदूक की नोक पर हम ये कहें कि कलमा पढ़ो ये इस्लाम थोपना है और इस मौजू के ऊपर बाकायदा मेरी एक डिबेट भी हो चुकी है कि इस्लाम कभी भी किसी को मजबूर नहीं करता कुरान मजबूर नहीं करता रसूल अक्रम्लम ने मजबूर नहीं किया कलमा पढ़ने के लिए हो सकता है कि तारीख़ के कुछ वाक़ ऐसे हों यानी कुछ मुस्लिम हुक्मरानों के जमाने में कभी ऐसा हुआ हो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है हो सकता है मैं इस इमकान को रद्द नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर वो इस्लाम नहीं है इस्लाम वो है जो कुरान में है जो सुन्नत में है तो इस, इसको इस्लाम प्रेजेंट करना तो कहा जाता है जो हम सोशल मीडिया पर करते हैं इसको इस्लाम थोपना नहीं कहा जाता तो दोनों में बड़ा फर्क है अच्छा कभी कभी इस्लाम कबूल किया जाता है शादियों के हवाले से कि लड़का लड़की की वजह से इस्लाम कबूल कर लेता जी, है या लड़की जी। लड़के की वजह से इस्लाम कबूल कर लेती है तो क्या ऐसा इस्लाम है का इस से यही है कि अगर इस मकसद से इस्लाम कबूल किया है तो वो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है ये तो दार्डुम दियोबंद का फतवा है बिल्कुल वाजअ में और इसी वजह से अभी कुछ दिनों पहले जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी एक शादी हुई जिसमें लड़का मुसलमान था और लड़की एक फिल्मी एक्टर्स तो उस से मैंने ट्वीट की थी और उसमें मैंने सिंपल ये और उसकी वजह ये थी ऐसा नहीं था कि मैं आमतौर से इस तरह की शादियों पर कोई ट्वीट करता हूँ लेकिन चूंकि मुस्लिम नौजवान खसूस वो नौजवान के जो सी ए तहरीक में वाबस्ता रहे और उस लड़के के करीब रहे किसी न किसी दर्जे में चूंकि सी ए तहरीक में वो लड़का बहुत आगे था तो वो बहुत सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रेट करने लगे मुबारकबाद देने लगे कि भाई शादी की मुबारकबाद फनाटी ठीक है लेकिन उससे ऐसा लगा कि इस तरह की जो शादियाँ हैं वो नॉर्मल हैं और उनका शरीयत में यानी शरीय अतबार से वो बिल्कुल जायज हैं तो इसलिए ज़रूरी हो गया था कि उस मुनकर के ऊपर उसी वक्त नकीर की जाए जिस वक्त वो तो मुनकर वजूद पजीर हो रहा हो तो हमने ये कहा कि अगर ये ख़ातून मुसलमान नहीं है तो उसका निक, उसका जो इसकी जो शादी है वो इस्लामी के लिए वैलिड नहीं है और अगर उसने इस मकसद से इस्लाम कबूल किया है तो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल न होने का मतलब ये नहीं कि मुसमानों के नज़दीक यानी दुनिया के अतबार से हम उसके ऊपर दुनिया में हम उसके ऊपर इस्लामी अहकाम नाफिस करेंगे इस्लामी हकाम उसके ऊपर जारी होंगे जो कि इस्लामी हकाम का दारो मदार इकरार के ऊपर है उसने इकरार कर लिया हुआ है लेकिन अगर दिल में उसके ये है कि नहीं मैं इस्लाम इसलिए कबूल कर रही हूँ कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है तो अल्लाह ऐसे इस्लाम को कबूल नहीं करेगा तो ये बात मैंने ट्वीट में कही थी उसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी हुई और मैं समझता हूँ कि यह कॉन्ट्रोवर्सी दुरुस्त हुई और हमारा मैसेज बहुत दूर तक गया और हिंदुओं में जो ये बात चली थी कि भाई मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं लड़कियों को मुसलमान बनाकर उनको कलमा पढ़ाकर शादी करते हैं और ये उनका मकसद है तो उनके पास उनको भी ये मैसेज गया कि नहीं ऐसा नहीं है मुसलमान इस सो so कॉल्ड लव जिहाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है उनके यहाँ इस कॉन्सेप्ट की कोई हैसियत नहीं है जो इन लोगों की तरफ से फेब्रिकेट किया गया है और प्रमोट किया गया है एक बात और भी है एक सवाल आया है कि सेकुलर कंट्रीज जो होती हैं सेकुलर कंट्रीज के अंदर मुसलमानों को कौन से ला पर अमल करना चाहिए एक ला तो होता है जो मुल्क का कंट्री का ला होता है और एक अपना ला है शरीयत ला है तो कभी ऐसा होता है कि जो मुल्क के अंदर कोई कानून पास होता है तो वो शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है तो उस वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए जबकि हालात बिल्कुल दिगर होते हैं अहकाम शरीयत के मुख्त दराजात हैं जी कुछ दर्जात वह हैं कि जिनको हम फ़रज़ कहते हैं और बुनियादी अकीदा कहते हैं नमाज है रोज़ा है ज़कात है हज वगैरह और कुछ फिर दूसरे दर्जे के हैं मामला से मुतल हों या आ, दूसरी चीज़ों से मुतक हों जब आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ सेकुलरिज्म या डेमोक्रेसी है जमहूरीत है और वहाँ चाहे आप पैदा हुए हों या वहाँ जाकर आपने उस मुल्क की नेशनलिटी इख्तियार कर ली हो तो गोया कि आपने उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से एक माहिदा कर लिया है और माहदा यह किया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम इसको तस्लीम करेंगे अच्छा उस डॉक्यूमेंट में आपके मजहब के खिलाफ कुछ नहीं लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में यह लिखा हुआ है कि सबको अपने मजहब के ऊपर अमल करने की आजादी है तो अगर आपने ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने वालों से या ऐसी डॉक्यूमेंट बनाने वाली जो थी उससे आपने मुहिदा किया तो अब उस माहे के तहत रहना इस्लामी के लिए बिल्कुल दुरुस्त है इसमें कोई हर्ज नहीं है इला ये कि फिर उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए उस दस्तूर को कैंसिल कर दिया जाए और नया दस्तूर लाया जाए और नए दस्तूर के अंदर ये हो कि मुसलमान अपने तशखस इस्लामी तश्खस के साथ अपनी इबादत और अपने फराइज के साथ नहीं रह सकते मसला चाइना में हुआ कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते आप हज पर नहीं जा सकते आप रोज़ा नहीं रख सकते आप मस्जिद में नहीं आ सकते तो ऐसी जगह पर फिर हिजरत फर्ज है तो जाहिर है कि आप उस मुल्क में कैसे रहेंगे तो जब आपको अपनी बुनियादी जो जरूरियात हैं जरूरियात दीन हैं उसके ऊपर अमल करने की इजाजत नहीं है अब बहुत सारी बहुत बड़ी तादाद में लोग चाइना के अंदर फंसे हुए हैं जो हिजरत भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो माजूर है अब उसका क्या किया जाए जब हुकूमत ने हर उन, उनके ऊपर बाढ़ लगा दी कि वो न इधर जा सकते ना उधर जा सकते तो माजूर है इन अच्छा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान हकमरान हैं अगर अगरचे इस्लामी निज़ाम कायम नहीं है तो वहाँ उन मुसलमान हुक्मरान के लिए क्या ये जरूरी है निज़ाम को कायम करना मुस्लिम ममालिक के अंदर इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निज़ाम कायम करना फ़र्ज़ आन है यानी फ़र्ज़ फ़र्ज़ैन किसके ऊपर है ये उस हुक्मरान के ऊपर है हुक्मर अगर या वो लोग जो हुकूमत में हैं वो इस्लामी निज़ाम कायम नहीं करते हैं उन मुस्लिम ममालिक में तो वो गुनहगार हैं आ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोमन एम्पर को ख़त भेजा था आ, दावत का तो उसमें आप वसल्लम ने क्या फ़रमाया था आपने फ़रमाया था असलम तस्लम इस्लाम कबूल कर लो महफूज़ रहोगे फ़ैन अबई था अगर तुम इनकार करोगे फ़ैन इन न का इसमल रीसी तो फिर तुम्हें यरीसीन यरीसीन से मुराद है फार्मर्स यानी किसान चूंकि उस जमाने में खेती बहुत होती थी यूरोप के इलाके में इंडस्ट्री नहीं थी तो ये जो जितने तुम्हारे यहां किसान हैं इन सबका गुनाह तुम्हारे ऊपर होगा तो अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो ये सारे आ जाएंगे तुम्हारे पीछे पीछे और अगर तुम इनकार करोगे तो गोया कि तुमने इस्लाम को फैलने में तुम रुकावट बने तुम रुकावट बने तो सबका गुनाह तुम्हारे सर है तो वो तमाम हुक्मरान के जिनको अल्लाह ताला ने तकूमत के लिए मंतख किया जिनको वो मौका दिया कि वो इकतदार की कुर्सी पर बैठे और मुसलमान मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है जहां कोई मसला नहीं है कोई रुकावट नहीं है अगर इसके बावजूद भी वो इस्लामी निज़ाम कायम नहीं करते हैं तो वो सारे के सारे गुनहगार हैं और तमाम आवाम का गुना जो है वो उन्ही के सर है अच्छा कुछ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जो पर बहुत तनकीद करते हैं कि इस्लामी निज़ाम की बात नहीं करते जबकि वो ममालिक बात नहीं करते कि कौन से मुल्क में को बात करनी चाहिए तो पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है इस हवाले से तो इस हवाले से कुछ बता दीजिएगा गालिबा आपकी मुराद वो शख्स है जो पाकिस्तान में है मेरा उससे इंटरेक्शन इस मानागर हुआ कि उसकी कुछ गुफ्तु के ऊपर मैंने रद्दमल दिया था साहिल अदीम नाम है उसका तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि उनकी जो गुफ्तु है वो दरअसल पाकिस्तान के हवाले से आम तौर से होती है और वो अगर तनकीद करते हैं तो वहाँ केमा के ऊपर के तनकीद करते हैं वो एक अगर ये तनकीद कर रहे हैं तो वो ठीक है वो उनका एक अलग मसला है उन्होंने मेरा जो रद्दमल था वो इस बुनियाद पर था कि उन्होंने अपने इस नज़रिए को जनरलाइज किया यानी ये नहीं फ़र्क किया कि बात इंडियन मुस्लिम की हो रही है कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स की हो रही है कि सऊदी मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की हो रही है एक आम बात की और इस तरीके से मैसेज दिया कि हर मुसलमान के लिए तलवार उठाना ज़रूरी है ताकि इस्लामी निज़ाम कायम हाँ हो जाए और मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान या मुसलमान और दस्तूर के दरमियान दस्तूर साज असम्बली के दरमियान जो माहिदा है उसकी कोई हैसियत शरी नहीं है जब यह मैसेज उन्होंने दिया तो जाहिर है कि उसकी तरद जरूरी थी इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम आ, यानी मुसलमानों की कोई अच्छी इमेज इंडियन मुस्लिम्स की कोई अच्छी इमेज जिसको शुगर कोटिंग कहते हैं हम वो पेश करना चाह रहे हैं बल्कि जो शरीयत का मसला है उसको हम पेश कर रहे हैं जो हमने एक माहिदा किया है वो मुहदा मैंने और आपने जी तौर पर नहीं किया नहीं। हमारे बड़ों ने हमारी तंजीमों ने जब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनी थी आज़ादी के बाद उस असम्बली उस के अंदर हमारे बड़े शामिल थे मौलाना हिजुररमान त्योहारी शामिल थे मौलाना कलाम आजाद शामिल थे जमीमा की नुमाइंदगी थी उसमें और यही बड़ी बड़ी तंजीमें थी इसके अलावा कोई और तंजीम थी ही नहीं तो जब इन तंजीमों ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर शामिल होकर मुहिदा कर लिया मुसलमानों की तरफ से और जो उस माहिदे को नहीं मानते थे वो पाकिस्तान चले गए तो जो रह गए वो गोया के उस मुआहदे के पाबंद हैं तो फिर मुआहदे की पाबंदी आपको करना ज़रूरी है अफूबलूत आपको जो अकूत जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हैं उनको पूरा करना है अल्लाह के सामने वाली पार्टी उस मुआहदे को तोड़ दे जैसा कि सुलह उदेबिया में हुआ सुलहुदेबिया के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया बज़ाहिर दबकर किया गया लेकिन उस माहे को फिर कुफ्फ़ार मक्का ने दो साल के बाद सनात हिजरी के अंदर तोड़ दिया जब तोड़ दिया तो फिर मुसलमानों की जिम्मेदारी खत्म हो गई उसकी कोई पासदारी नहीं होगी लेकिन तोड़ा उन्होंने पहले तो ये चीज जो है जहन में रखना जरूरी है तो देखिए सर यूथ आपसे बहुत मुतासर है चाहे वो कॉलेज के तलबा हों चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों या मदारस के तलाबा हों तो जब ये आपको तो देखते हैं आप उनके दिलों के अंदर ये भी शौक पैदा होता है कि हम भी अधियान बातला के खिलाफ कुछ काम करें जैसे कि मदारस के तलबा हैं तो क्या वो वो ये काम कैसे कर सकते हैं क्या उनके निसाब के अंदर ही इतना पावर है कि वो उसको मेहनत से पढ़ के काम कर सकते हैं या कुछ पढ़ने की जरूरत है हमने कोई अलग से निसाब नहीं पढ़ा जो निसाब आप पढ़ रहे हैं जो निसाब मदरसों के अंदर आमतौर से पढ़ाया जा रहा है वही निसाब मैंने पढ़ा है कोई ऐसा नहीं था कि मेरे ज़माने में कोई दूसरी किताबें पढ़ाई जाती थीं या कुछ इजाफी चीज़ें पढ़ाई जाती थी वही सब चीज़ें हैं हाँ एक तरह का एक हर एक आदमी का एक नजबुलन होता है और बाज़ मरतबा वो नसलुआन थोड़ा देर में मिलता है मुझे भी थोड़ा सा देर में मिला ऐसा नहीं है कि जब मैं दार्लूम में पढ़ था तो मेरे जहन में यह था कि मैं दियाने बातिल्ह के ख़िलाफ़ काम करूँगा मैं उस जमाने में ये फितना इतना ज़्यादा राइज भी नहीं था और इस तरफ कोई ज़्यादा तोज्जो भी नहीं थी हाँ इस और मुस्तरकन और इंटलेस नाम हमने सुने थे लेकिन हमें समझते थे कि इसकी कोई खास अब जरूरत है नहीं यहाँ तक कि जब दूसरे ममालिक में जाना हुआ और फिर महसूस हुआ कि नहीं इस काम की ज़रूरत है तो फिर इस तरफ हमने इस ताल्लुक से पढ़ना शुरू किया लेकिन जो बुनियाद दारुलम देवबंद ने फराहम कर दी थी वही बुनियाद आज तक काम आ रही है और मैं समझता हूँ कि दारालम देबन की जो तालीम है उसी का दखल है और उसी का फसल है कि आज थोड़ा बहुत जो हम गुफ्तगू कर लेते हैं और मरतद्दीन से अगर वो बुनियाद ना होती तो ये आज मुमकिन ना होता तो फरागत से बाद आपने जो डिग्रीज वगैरह की हैं वो आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए कहाँ से की हैं क्या, क्या क्या की हैं मैंने मास्टर्स किया है अरबिक लैंग्वेज इन लिटरेचर में अमेरिका से फिर उसके बाद मैं मलेशिया चला गया था वहाँ से मैंने पीएचडी की हदीस में लेकिन अब आप देखें कि हदीस की पी मुझे इस माना गर तो फ़ायदा देती है कि भाई मैं किसी हदीस की तहकीक कर लूँ कि भाई यह हसन है कि ज़यीफ है के मौजू है वगैरह वगैरह और मेरी जो पी है वह तखरीज हदीस में है तो उस तल्लु से कोई हदीस कहाँ मिलेगी ये यह सब यहाँ तक तो है लेकिन हदीस के ऊपर होने वाले एतराजा का जवाब कैसे दें उसका पी एच डी से कोई ताल्लुक नहीं है उसमें मेरे जो एम ए मैंने किया उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है वो एतराज का जो जाहिर हम आज भी रिसर्च करते हैं ऐसा नहीं है कि हमने सारी चीज़ें दार्डुम के निसब में पढ़ ली थी लेकिन बुनियाद दार्डुम के निसब ने फराम की है जब हम शर शरा शरह मान लासार पढ़ते हैं दौरे हदीस में तो शरह मान लाषार में इमाम तहावी हादीस की तदबीक बयान करते हैं कि भाई एक इमाम ने यहदी से जिक्र की है दूसरे इमाम ने यहदी से जिक्र की है दोनों के दरमियान तारुज़ हो रहा है अब उसके बाद फनजरना नजरना यहाँ नजरना से वो कहकर नज़र इमाम तहवीस को कहते हैं नजर तहवी तो वो नजर तवी के जरिए इन हादी के दरियान तारस को दूर करते हैं ये इमाम तहावी की बुनियादी खसूसियत है आपने अगर इसी को पकड़ लिया ना कि अदीस में तारस को दूर कैसे करना है और उस मनहज को आप लेकर चले तो आप किसी भी दो हदीसों में जहां भी तारूस हो रहा है बहुत आसानी के साथ उसको हल कर सकते हैं कुछ एतराज हदीसों पर ऐसे होते हैं कि जी वो साइंस के खिलाफ है तो गलती हमारे या तलबा ये करते हैं कि जब ये एतराज़ होता है कि ये आयत साइंस के खिलाफ है ये हदीस साइंस के खिलाफ है तो वो साइंस को हाकिम मानकर हदीस और आयत के अंदर तावील करने की कोशिश करते हैं जबकि साइंस कभी भी हाकिम नहीं हो सकती उसकी वजह यह कि साइंस का नेचर यह है कि वो मुस्तकिल तब्दील हो रही है आज एक बात कहेगी कल दूसरी बात कहेगी परसों तीसरी बात कहेगी तो जिस चीज के अंदर इतनी यानी तेजी के साथ तब्दीली हो रही है आप उसको हाकिम का दर्जा कैसे दे सकते हैं आप सवाल करेंगे साइंस से कि पहले यह तय कर लो कि ये जो तुम्हारी थ्योरी है ये आखिरी अब इसके बाद कोई तब्दीली तो नहीं अगर कोई साइंटिस्ट ये कह दे कि नहीं इसके बाद कोई तब्दीली नहीं तो वो साइंटिस्ट नहीं है वो झूठ बोल रहा है जब साइंटिस्ट खुद ये करार करता है कि हमारा ये सलूशन साइंटिफिक फाइनल नहीं है हम आगे भी जाकर तब्दील हो सकते हैं तो अभी हम अपनी हदीस और आयतों को तुम्हारी वजह से क्यों तब्दील करें जब तुम एक फाइनल यानी उठा लोगे तुम जब फाइनल मौक इख्तियार लोगे, और फिर तुम कुरान और हदीस से उसका मुजना करोगे तब हम जवाब देंगे पहले अपना फाइनल मौक तो इख्तियार करो अच्छा ये भी कुफार की तरफ से ऐतराज किया जाता है कि वक्त के हिसाब से टाइम के हिसाब से हर मुल्क का बदलता है हर जगह का कानून बदलता है तो मुसलमानों को भी अपने लॉ के अंदर वक्त के हिसाब से तब्दीली करते रहना चाहिए देखें आ, जो एतराज होता है वो इस वजह से होता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के दरमियान फर्क नहीं समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील नहीं होता है ठीक है एक मुल्क मसलन कायम हुआ इंडिया का की जो जो स्टेबलिशमेंट है वो 1947 है अब 1947 फोर्टी सेवन से एक मेक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया उसमें थोड़ी बहुत तरमीम हुई है जिसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं लेकिन उसका जो बुनियादी फीचर है जो बुनियादी फ्रेमवर्क है वो तब्दील नहीं हुआ ठीक है वो ऐसा ही है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल पुराना है इसी तरीके से दूसरे ममालिक कॉन्स्टिट्यूशन कोई 100 साल पुराना कोई 50 साल पुराना ऐसा नहीं है कि दस्तूर रोजाना की बुनियाद पर बदलते हों हाँ कवानीन बदलते हैं है। इस्लाम में दो चीजें हैं एक है दस्तूर जिसको हम कुरान और सुन्नत कहते हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी लेकिन जो कानून है जो इस दस्तूर से निकला है जिसको हम फिक बोलते हैं वो जमाने के अतबार से तब्दील हो सकता है मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें कि ट्रैफिक लॉज हैं भाई हमारे फुकाहा के जमाने में गाड़ियां नहीं चलती थी उस चौराहे नहीं हुआ करते थे जहां रेड लाइट और ग्रीन लाइट लगी हो आज गाड़ियां भी चलती हैं रेड लाइट है ग्रीन लाइट है हाईवेज हैं वगैरह वगैरह तो अब इसके पे चलने के क्या कानून है यह कानून कहाँ से पता चलेगा कि आपको गाड़ी इतनी स्पीड पर चलानी है उससे ज्यादा चलाएंगे तो आपको फाइन लग जाएगा यह कानून कहां से बनेगा कि आपको रेड लाइट पर रुकना है ग्रीन लाइट पर चलना है फुकाह इस्तेमाल करते हैं अहादीत से लाजरा रफी इस्लाम चूंकि जब आप रेड लाइट पर नहीं रुकेंगे नहीं। तो और रेड लाइट पे चलते चले जाएंगे तो हो सकता है कि दूसरी तरफ से कोई आ रहा हो और आप उसको टक्कर मार दें और उसको नुकसान पहुंचाएं तो ला जरारा वला वादर के इस्लाम में न नुकसान पहुंचाना न नुकसान बर्दाश्त करना दोनों ही चीजें इस्लाम में नहीं है आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते लिहाजा इस उसूल की बुनियाद पर तमाम ट्रैफिक लॉस बन गए तो देखिए यह होता है इसके बाद तो फिका के अंदर तब्दीली हो सकती है ज़रूरियात दिन में नहीं फ़िका के जो इस तरह के जो रोज़ाना के आने वाले मसाइल हैं उनमें तब्दीली हो सकती है और उसके अतबार से लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई तब्दीली नहीं एक प्रॉब्लम तो ये है लोगों के जहन में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने आप को और अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी को क्यास करते हैं अल्लाह ताली की एबिलिटी के ऊपर उसकी कुदरत के ऊपर भाई हमों को ये एतराफ़ होना चाहिए कि हम मखलूक़ हैं और मखलूक होने के अतबार से हमारा इल्म नाक़ है हमारा इल्म नाकिस होने का मतलब यह है कि हम आज अगर किसी चीज़ का इदराक कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सत फीसद दुरुस्त हो दस साल के बाद बीस साल के बाद हमें अपनी गलती का इदराक होता है और फिर हम नई बात और नई ओपिनियन इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला की जात ऐसी नहीं है वो तो आ, सुदूर है वो तो अल अलीम है ऑल नोइंग जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है यानी हर चीज जानने वाली है माजी और मुस्तबिल का उसको उसी तरह पता है जैसा कि हमें आपको हाल का पता है जब ये सूरत हाल है तो उसमें गलती का इम्कान ही नहीं है नहीं। तो खुदा का दिया हुआ दस्तूर कभी नहीं बदलेगा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी इंसान के दिए हुए दस्तूर के अंदर तब्दीली नागुजर जरूरी है चूंकि इंसान खुदा नहीं है तो दोनों के दरमियान फर्क करना जरूरी है ये कहना कि जी इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं होती बाकी चीज़ों के अंदर तब्दीली हो जाती है इस्लाम में तब्दीली न होना इस बात की दलील है कि ये खुदा की तरफ से है और बकिया निज़ामों के अंदर तब्दीली होना इस बात की दलील है कि वो इंसानों की तरफ से है गोया कि जामे और माने निज़ाम है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं आपने मदारस के तलबा के लिए बात फरमाई कि उनके निसाब के अंदर ही उतना पावर है उसको अच्छी तरह से पढ़ें अब जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों में ये शौक़ पैदा होता है तो शब्द तो उनकी उम्र में बहुत हो चुकी है कुछ मदरसे में नहीं आना चाहते तो वो कहाँ से ये पढ़ना शुरू करें ताकि ताकर अदिया, ताकि अदियान बातला के खिलाफ वो भी जवाब दे सकें वो भी इस्लाम को समझ सकें इस त्लुक से मेरी एक अदनासी कोशिश रही है जो मैंने दो साल ढाई साल पहले शुरू की थी और उसमें एक कोर्स मैंने शुरू किया था द इनको सफी थी तहाफुतल मलाहिदा के नाम से तो उसमें वदारिस के तलाबा भी रहे और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज़ के तलबा भी रहे शुरू तल, तलबा की तादाद ज़्यादा थी और वो हर इस तरह के जो क्रैश कोर्सेज़ होते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि शुरू में एक तादाद आती है फिर अपनी ऐति मसरूफियात की वजह से कहते हैं कि चलो ठीक है बाद में शामिल हो जाएंगे वगैरह वगैरह तो लेकिन बहरहाल एक मोतद बही तादाद अभी भी उसमें शामिल है पहला बैच उसका अब चंद महीनों के अंदर इन अपना कोर्स मुकम्मल कर लेगा ढाई साल में तो ढाई साल तक मैंने अलहमदिल्ला इन हज़रा को पढ़ाया है और बहुत ही ज़्यादा तफसल से पढ़ाया है और ये जो दुरुस्त हुए हैं इनको बाकायदा किताबी शक्ल में भी लाने की कोशिश हो रही है तो जो इस कोर्स में शामिल नहीं हो सके वो किताबी किताब से इस्तेफादा कर लेंगे इन तो तरह की कोशिश है उम्मीद है कि इससे तमाम तबकात मुस्तफ़ होंगे अच्छा जो हमारे मदारस में अकायद की किताबें जो पढ़ाई जाती हैं तो उन्हीं किताबों में वह एतराज भी आते हैं उन्हीं में जवाब भी आते हैं तो ये तो हर तलब पढ़ता है हर स्टूडेंट पढ़ता है मदरसे का लेकिन क्या इसको पढ़ाने का एक कोई अलग से तरीका होना चाहिए आज के दौर में देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम अकायद की किताबें और फ़लसफे की किताबें पढ़ते हैं मंतिक की किताबें पढ़ते जी हैं तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं और जब आपका मतमह नजर ये हो कि इम्तिहान में कामयाब हो जाएं हल इबारत जिसको कहते हैं ना हल्ले इबारत कर दी इबारत मकसूद भी नहीं है मकसूद बज्जात ये है कि उस इबारत में क्या लिखा है और उसको आप कैसे हालात हाजिरा से रिलेट कर रहे हैं कैसे उससे जोड़ रहे हैं ये असल है उस्ताद की कामयाबी इसमें है कि अगर वो मसला शर अकाद के अंदर जहाँ ये बहस आती है कि आ, जो लादरिया का जहाँ तस्करा है कि खिलाफिया फिस कौन है तो अब हमारे बहुत से इस कह देते हैं कि भाई यूनानी दौर में ये एक जमात थी तो तालिबीन के जहन में ये बात आती है कि जो सोफिस्तियाँ हैं ये यूनानी दौर में आज से तीन हज़ार साल पहले रहे होंगे अब इनका कोई वजूद नहीं है फिर उनकी तीन किस्में होती हैं अल्दिया वनादिया वल लादरिया वगैरह वगैरह हालांकि हकीकत यह है कि सोफिस्तिया आज भी हैं लादरिया भी हैं इंदिया भी हैं इनादिया भी हैं सब अलग अलग शक्लों के अंदर मौजूद हैं जब आप अपने तालब को यह बताएंगे ना कि आज के दौर में लादरिया को यह कहा जाता है इंडिया को यह कहा जाता है सोफिस्तिया के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है और इनका आज ये नज़रिया है और फिर शराद की उसी इबारत से आप उनके उस नजरिए की तरदीद करेंगे तो तालब को यह लगेगा कि हाँ वो बात हो रही है कि जिसको मैं माशरे में जाकर अमली जिंदगी में जाकर बरत सकता हूँ भाई जैसे फ़िक की मसाइल जब आते हैं तो हर तालि को लगता है कि फ़िक के जितने भी मसाइल हैं उसके ऊपर मुझे अमल करना है चाहे वो मसायल और हो या वज़ू के मसाइल हो या फिर बै के और जितने भी मसाइल हों चाहे कितने ही मुश्किल अंदाज से पढ़ाए जाएँ लेकिन तालब इल के जहन में बात आती है कि यह अमली मसाइल हैं प्रैक्टिकल मसाइल हैं तो वो उनके ऊपर मेहनत करता है यहाँ तक कि वो इफ्ता तक जाता है यही सूरत हाल अकद में भी होनी चाहिए तो जब तक आप उनको हालात हाज़रा से रिलेट नहीं करेंगे किताब समझ में आने वाली नहीं है उसकी अहमियत लोगों को पता नहीं चलेगी हालात हाज़रा के एतबार से समझने के लिए आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को भी समझना पड़ेगा थोड़ी बहुत अगर आए तो फ़बीहा ये बहुत अच्छी बात है आ, लेकिन बहुत सी किताबें अब खसूस पड़ोसी मुल्क में इस तरह की आ गई हैं कि जो इन मौजूद के ऊपर हैं उर्दू में किताबें लिखी हुई हैं उनको पढ़ा जा सकता है खसूस शर्कायद की जो इब्तदाई बहस है जिसमें इस्बाबल सलासतुल यानी जो, जो इलमियात की बहस है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इस पर बायदा किताबें मौजूद हैं उर्दू में किताबें मौजूद हैं तो अगर शरद पढ़ाने वाले हजरात उन किताबों को सामने रखें और उसकी रोशनी में वो अपने तलबा को ये बताएं कि देखो शरद में तफताज़ानी और नसफ़ी रही महमूल्ला ने जो असबाब इल्म की बहस की है आज की मॉडर्न दुनिया में वो बहस क्या हो रही है और ये जो बहस किताब में मौजूद है वो कितनी अहम है तो फिर तलब इम के जहन में उसकी अहमियत जो है वो उजागर होगी और उसको मालूम होगा मैंने ये इलमियात की बहस अपने तलबा को तहाफतुलद कोर्स में पढ़ाई है और मैंने उनको ये बताया था कि यही मौजू ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज में हारवर्ड में बाकायदा पी एच डी लेवल में पढ़ाया जाता है मेरे पास वो किताबें मौजूद हैं उनके निसाब की जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इस ये इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई पढ़ा, पढ़ाते हैं उन किताबों से मैंने इकतवास ले लेकर अपने इन तलबा को पढ़ाया है और फिर ये साबित किया है कि किफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ने सदियों पहले जो बात लिख दी है वो इन लोगों से कहीं बुलंद और कहीं मजबूत है जब आप ये बताएंगे तालब को और ये साबित करेंगे तो उसके जहन में सत फीसद ये इसकी अहमियत पैदा हो जानी है अब अगर उस्ताद साहब हदी ये कह दें कि भाई पढ़ लो जल्दी से हल्लेबारत करा रहा हूँ ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो उसको ये लगे का खाम ये लगेगा कि हमारी वक्त गुजारी का सामान है सर तो जब हम आपको देखते हैं हैं आप एक आप में रहते अक्सर तो हम आपको देखते हैं तो आप पर यू एस ए का कोई असर मुरतब नहीं हुआ लेकिन क्या इरतदाद जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि और इल्हाद का जो फितना है लोग की तरफ जा रहे हैं इल्हाद की तरफ जा रहे हैं क्या तहजीबी अख्तिलात इसमें मौसर है तहजीबी इख्तलात बहुत अच्छा खासा मौसर है और जो मैंने शुरू में मेंटल ट्रामा की बात की है दरअसल तहजीबी इख्तलात उस मेंटल ट्रामा को जिला बख्शता है यानी ऐसा ही है कि जैसे कि आपने आग में तो तेल डाल दिया का तो तहजीबी इख्तलात तेल का काम करता है आग पहले से लगी हुई है उसमें तेल डल गया तो वह लो बढ़ जाती है उसकी तो तहजीबी अख्तिलात जहाँ तक बात है आज के दौर में उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका में इंग्लैंड में कनाडा में रहें तो तभी तहजीबी अख्तलात होगा इंडिया में रहें और इंडिया के किसी गांव में पाकिस्तान में रहें उसके किसी गांव में या बांग्लादेश में रहें चूँकि सोशल मीडिया ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है जो आप चीज़ें और खसूसा फिर ये फिल्में हैं और ड्रामे हैं और नेटफ्लिक्स है यानी ये कोई आपके पास मोबाइल है अब महज किसी शख्स की शक्ल के ऊपर चेहरे पर अगर दाढ़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है या इन चीज़ों में मुलविस नहीं है ऐसा हो सकता है कि बहुत से ऐसे अफराद हो इन जो इन चीज़ों के अंदर मुलविस हों और दीनदार लगते हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं असल चीज़ ये कि आप कैसे रहते हैं लोकेशन मैटर नहीं करती है असल ये कि आपके आ, जहन में क्या है उस तहजीबी इख्लात के ताल्लुक से और आप उस तहजीब के ताल्लुक से क्या समझते हैं मैं समझता हूँ कि मगरबी तहजीब से ज़्यादा गंदी कोई चीज़ नहीं है जब मेरा इसके ऊपर ईमान है कि ये गंदगी है तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि ये गंदगी मेरे घर में दाखिल हो या मेरी जात के अंदर दाखिल हो लेकिन इस इधराक के लिए कि ये तहजीब एक गंदगी है उसके लिए आपको वक्त चाहिए उसके लिए आपको मुताला चाहिए उसके लिए आपको मुशाहिदा और ऑब्जर्वेशन चाहिए कि कैसे ये गंदगी लोगों की फैमिलियों को और ख़ानदानों को तबाह कर रही है तो यही वजह है कि आप मगरबी तहजीब के अंदर रहकर भी उस तहजीब से मुतासर नहीं अलहमदिल्ला जी तो एक सवाल यह है कि आज मुसलमानों के अंदर फिरा बातिला पाए जाते हैं आपका काम तो अधियान बातिला के खिलाफ है तो आप तमाम मुसलमानों की तरफ से जवाब देते हैं चाहे वो किसी भी फिर से ताल्लुक रखता हो मुसलमान मुसलमान की तरफ से आप जवाब देते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं कि मुसलमान वलामा जो फारिग होते हैं चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं चाहे वो अहिल हदीस हों चाहे वो बरेलवी हों चाहे वो देवबंदी हों तो वो फरागत के बाद अधियान बातला के खिलाफ शुरू काम शुरू करें बजाय इसके कि वो फिरा बाला के के खिलाफ काम शुरू करते हैं जिसका असर मुरतब होता है लेकिन उसका समरा अच्छा जाहिर नहीं आता और खिलाफ इसके कि आप अधियान बातला के खिलाफ काम करते हैं तो आपका जो समरा जाहिर हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और नौजवानों को बिलखसूस कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज के जो तलबाए हैं उनको आपसे मोहब्बत हुई और आपको बहुत सुनते हैं देखिए हर जमाने की एक जरूरत है आज से अगर आप बारह सौ तेरह सौ साल पहले चले जाएंगे तो उस वक्त अधियान बातिला से ज्यादा फिर बातिला के ऊपर काम होता था खबारिश थे मोतजिला थे करामिया और फला फला कदरिया वगैरह वगैरह तो इनके खिलाफ हमारे अकाबिर ने असलाफ ने और औरलफ़ साल ने काम किया है और बड़ा मजबूत काम किया है चूँकि उस जमाने में इहाद और इर्तदाद का ऐसा ज़ोर नहीं था जैसा आज है फिर ज़माना आगे बढ़ा और इमाम गजाली रही का दौर आया इमाम गजाली की वफ़ात सन पाँच सौ पाँच हिजरी में है तो ये जो छठी सदी हिजरी का दौर है ये इर्तदाद अपने पीक पर आलम इस्लाम में इर्तदा का इर्तदाद अपने अरूज पर था और उस जमाने की इर्तदात को बातनिया कहा जाता था तो ये लोग ये नहीं कहते थे कि हम मुर्तद हो गए खुदा के मुमकिन हैं बल्कि वो ये कहते थे कि हम मुसलमान हैं लेकिन बातनियाँ हैं चूंकि जाहिर है कि इस्लामी रियासत होने की वजह से इब्ताद की सज़ा भी मौजूद थी तो अपने आप को वो छुपाते थे इमाम गजाली रही को इसका इधर हुआ और सूरत हाल ये हुई कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी रही ने तारीख़ दावत और अजीमत में इमाम गजाली के तस्करी के तहत लिखा है कि ऐसी सूरत हाल थी कि अगर लड़का नौजवान घर से बाहर निकला और शाम में देर से आता था तो वालदे को यह खदशा होता था कि कहीं बातनिया का शिकार तो नहीं हो गया इतना ज्यादा फैला हुआ था तो इमाम गजारी रही ने किताबें लिखीं इस फितने की तने तनहा सरकोबी की और अल्लाह तला ने उनको तजदीदी मकाम दिया तो उस जमाने का तकाजा अलग था ऐसे ही हम आज के दौर में चल रहे हैं आज के दौर का तकाज़ा अलग है यानी जितनी भी फिरकों की जो दलाइल हैं वो सब के सब हमारे सामने आ गए चाहे वो कोई भी फिरकाओं में किसी का नाम नहीं लेना चाहता तो हमारे जो तलबा हैं ये तो है कि हम उन फ़िरकों के जो दलाइल हैं उससे हमें उनसे हमारी वाकफियत ज़रूरी है वाकफियत होनी चाहिए बहरहाल एक इलमी जखीरा है लेकिन आपकी जो एक्टिविटी है वो दरअसल वहाँ होनी चाहिए जो इस वक्त का तकाजा है अगर आज भी आप रफैन के ऊपर ही मुनाज़रा करेंगे तो समझ लीजिए कि फिर फेमिनिज्म के ऊपर मुनाज़रा करने वाले हमें नहीं मिलने वाले नहीं। अगर आप आज भी किरात खलफल इमाम के ऊपर ही मुनाजरा करेंगे तो फिर हमें लिबरलिज्म के ऊपर मुनाजरी नहीं मिल पाएंगे नहीं। तो ये जमाना बदल चुका है तकाज़े बदल चुके हैं और जमाने के तकाज़े के अतबार से दरअसल हमें गुफ्तगु करनी होगी तभी हम नौजवानों के को अपील कर सकेंगे और उनकी बातों को का जवाब दे सकेंगे होता क्या है कि हमारे मैं समा उलमा को नहीं कहता लेकिन बहुत उलमा ऐसे हैं कि जब मैंबर तो उनकी गुफ्तु दूसरे अंदाज की होती है सामीन कुछ और सुनना चाहते हैं यही वजह है कि जुमा के खुदबों में जहाँ जहाँ तकलीरें होती हैं तो बहुत से हजरात आप करेंगे कि वो पता नहीं कहाँ कौन सी जमाने में और कौन सी जबान में गुफ्तगु कर रहे हैं सामने वाले उठे बस तबरुख समझ के उन्होंने थोड़ी दो चार बातें सुनी और चले गए लेकिन जो लोग अपनी गुफ्तु को हालात हाजिर से रिलेट करते हैं वही दरअसल आवा को अपील कर पाते हैं तो इस्लाम का मताल करने के लिए आ, के जो तलबा हैं उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए जो भी जबान वो ज़्यादा अच्छी जानते हो उर्दू हो या अंग्रेजी हो दोनों जबानों के अंदर बहुत सा मवाद इस वक्त मौजूद है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अपने अकायद की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है और अगर अकीदे की कोई किताब नहीं पढ़ी तो तालीम से शुरू कर लें इसी तरीके से साउथ अफ्रीका से एक अंग्रेजी में किताब निकली है तलीम वो पढ़ लें तो जब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अलिफ बात है बगदादी अब कायद बगदादी में अलिफ ऐसे क्यों लिखा जाता है और बा ऐसे क्यों लिखा जाता है उसकी कोई दलील नहीं बस अलिफ ये है बा ये है ता ये है ठीक है तो ऐसे ही कायद बगदादी से शुरुआत होगी यानी इब्तारी किताबों से जब आपने पहली ईंट रख दी बुनियाद की तो फिर दूसरी ईंट रखेंगे फिर तीसरी ईंट रखेंगे और ऐसे ऐसे तरक्की करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो ये बुनियादी ज़रूरत है ऐसे ही मोतबर मुसनफ़िन और मुफसरिन की तफासिर पढ़नी चाहिए जो इस वक्त हर जबान के अंदर मौजूद है उर्दू में मस मारफुल्क्रन मौजूद है और इसी तरीके से अनोार मौलाना आशी बल शहरी रही की वो भी बड़ी अच्छी तफसीर है उर्दू में बता रहा हूँ मैं आपको उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी हो चुका है कुरान का तर्जुमा भी हो चुका है जी. और इसी तरीके से सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती एक किताब है तफ़ीर है मारम्लरफ़ान वो आ, बड़ी बहुत शानदार तफसर है और उन्होंने काफ़ी हालात हाजिर से मुतल गुफगू की है उसको भी सामने रखा जा सकता है ये सारी तफासिर वो हैं जो यानी इंटरनेट के ऊपर आसानी से दस्तियाब हैं आप पी डी एफ डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर दें अलकाम महमूद मौलाना उबैदल सिंधी की तफसीर है आखिरी तीस पारों की तो वो भी आ, पढ़ी जा सकती है तो इस तरह की जब आप तफासिर पढ़ेंगे जब ये आपने बुनियाद कर ली तो अब आप तदब्बर कुरान पढ़ें आप और दीगर हजरात की तफासिर पढ़ें तो आपको इल्मी से फायदा होगा लेकिन आपकी बुनियाद मजबूत होनी बहुत जरूरी है मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि फला तफसीर न पढ़ें फला पढ़ें मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये तफसर पढ़ने के बाद फला तफसीर पढ़ें अच्छा स्टेप बाई स्टेप, स्टेप, स्टेप जाए जी तो ये तो आपका तो एक कंटेंट है आप सोशल मीडिया पर आकर कुफ्फार के ऐतराज के जवाब देते हैं कुछ कभी ऐसा होता है कि मीडिया पर इस्लाम पर बात चलती है एक तरफ एंकर बैठे होते हैं एक तरफ एक मुसलमान बैठा होता है दूसरी तरफ हिंदू बैठा होता है या ईसाई बैठा होता है तो वहाँ पर ये बातें चलती हैं इस्लाम पर बातें चलती हैं इस्लाम के खिलाफ बातें कही जाती हैं तो मुसलमानों की तरफ से जो वहाँ पर मजहबी सकालब के तौर पर बात करता है तो क्या उसके लिए वहाँ जाना जायज़ है और उसके नुकसान क्या अगर जायज़ नहीं है तो नुकसान क्या मुतब हुए मैं नहीं समझता कि उसके लिए वहाँ जाना जायज़ है और बल्कि दारफ्ताओं को आगे बढ़कर उसकी हरमत का फतवा देना चाहिए उसकी वजह यह है कि वो इस्लाम को मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस्लाम और मुसलमानों को दानिस्ता नुकसान पहुंचाना हराम है उसकी हरमत का फतवा आना चाहिए मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ लेकिन बहरहाल मतबा दारुलफ्ता जब ये करेंगे तो उसकी एक अहमियत और हैसियत होगी ये लोग पांच पांच छः छः हज़ार सात सात हज़ार के लालच में इन चैनलों के ऊपर जाते हैं इनका कोई काम नहीं है जितने मौलवी आप देख रहे हैं मौलवी नुमा ये इनका कोई काम नहीं है बज़ाहिर ट्रेवल एजेंसी है बज़ाहिर कहीं किसी मस्जिद में इमाम है लेकिन ये लोग बिल्कुल यानी न तजारत है इनकी ना मुलाजमत है इनकी मुलाजमत शुरू होती है शाम में पाँच बजे से जब टीवी चैनल्स की जो डिबेट्स हैं वो शुरू होती हैं दिन भर सोते हैं ये शाम में इस चैनल से निकल कर उस चैनल में उस चैनल से निकल कर उस चैनल में जो चैनल के जो अंदरूनी स्टाफ जो मुसलमानों का है उनमें से बहुत से लोगों से मैंने बजा, बजाते ख़ुद गुफ्तु की है कि भाई इन लोगों को पैसे मिलते हैं नहीं हाँ जी हम खुद देते हैं सात सात हज़ार पाँच पाँच हज़ार रुपये देते हैं अब एक बात बताएं कि अगर आप रोजाना की बुनियाद पर किसी डिबेट में जा रहे हैं और अगर आप एक डिबेट भी रोजाना करें और उसके आपको पाँच हजार रुपये ठीक है तो आपके चार पांच डिबेट में ही बीस पच्चीस हजार रुपए तो हो गए अगर आप यह काम रोजाना की बुनियाद पर पूरे महीने में कर रहे हैं तो आप तो लाखों कमा रहे हैं। फिर आपको कुछ और करने की क्या जरूरत है तो दरअसल वो फक्र है कि जो इन कुफर की शक्ल इख्तियार कर गया अल कुफरा कु कुफर गया कि इस्लाम का इस्तेजा करवा रहे हैं कई मरतबा ऐसा भी हुआ दो तीन मरतबा मुझसे रहा किया गया कि मैं चैनलों पर जाऊं जाने को जाया जा सकता है लेकिन जिस चीज के मैं खुद खिलाफ मैं क्यों करूं यानी लोग ये कहेंगे कि भाई आप खुद दूसरों को रोकते हैं आ, आप फिर वहां पहुंच गए एक तो बात यह दूसरी बात यह कि वो चैनल का जो मकसद है वो प्रोपेगेंडा है जब वो ये देखेंगे कि हमारा प्रोपेगेंडा नाकाम हो रहा है और अलहमद लामद हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि उस प्रोपेगेंडे को नाकाम कर दें तो फिर वो क्या करते हैं वो आपका माइक बंद कर देते हैं वो आपको बोलने नहीं देते हैं तो ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां आप अपनी बात ना कह पाए तो बस बुनियादी बात यह है अगर मुसलमान इन जगहों पर जाना बंद कर दें तो ये प्रोपेगेंडा खुद ही ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो पैसे का लालच है जो उनको खींच कर ले जाता है तो मैं ये बात बताता चलूँगा अपने सामियन को जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि टी पर जो लोग जाते हैं मजहबी स्कॉलर्स के नाम से वो मौलवी नहीं होते बल्कि मौलवी नुमा होते हैं जिनकी वजह से इस्लाम बदनाम होते हैं तो मैं अपने सामियन से यही कहूँगा कि ऐसे डिबेट में जाने से आपके मुत मुत जो स्कॉलर हैं जो जाते हैं उनको जाने से आप रोकें अपने अतबार से रोकें और आप खुद बाईकाट करें इसका जैसा कि मुस्तर ने फरमाया कि मौलवी नहीं मौलवी नुमा होते हैं और सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं जैसे कि मुखर्ण ने बताया कि बीस पच्चीस हज़ार अगर वो कमा लेते हैं तो फिर वो लाखों के हिसाब से कमा कमाते हैं तो उनको और कोई काम रहता नहीं तो फिर उनका यही काम है और इसकी वजह से असरात जो होते हैं बहुत गलत मुरतब होते हैं इस बात इस बात को सामीन ने मद्देनज़र रखना है अब यह है कि यू में आपका मदरसा है कब से है और आप यू में मदरसे में क्या पढ़ाते हैं मैं मुख्तलिफ़ मदारस से वाबस्ता हूँ वहाँ पर एक मदरसे नहीं और बहुत से मौजूद हैं जिनमें हदीस भी है हदीस में सही मुस्लिम भी है फिर शराद भी पढ़ाता हूँ उसूुल फ़िक्र भी पढ़ाता हूँ अरबी ज़बान भी पढ़ाता हूँ तो अलग अलग इन मतनव मजामी हैं और तदरीस की मसरूफियात ज़्यादा होने की वजह से मैं रद्द अहाद और इतदाद पर जो काम करता हूँ उसके लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ तो जितना कितना भी आप देख रहे हैं अलहमदिल्ला तला का फसल है कि इतना भी वक्त मिल रहा है और अगर मुझे वक्त ज्यादा मिले तो थोड़ा सा काम ज्यादा हो आ, लेकिन बहरहाल जितना भी है ये अल्लाह का फजल है अच्छा तो आज के नौजवान को क्या सोशल मीडिया पर आना चाहिए अगर देखें नौजवान जिनको हम कह रहे हैं नी मदरसे जो निकल चुके हैं तो यकीन ये एक बहुत बड़ा मैदान है कि जिस मैदान में आपको हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद मैसर हों और अपनी बात आप बहुत जल्दी करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकें तो बिल्कुल इस मैदान को एक्सप्लोर करना चाहिए लेकिन इस मैदान के भी हर मैदान के कुछ ना कुछ तकाज़े हैं हमारे बहुत सेलमा ये समझते हैं कि यार मैंने वीडियो डाली इसको सिर्फ पांच लोगों ने देखा जी। उसके बाद अगली वीडियो डाली इसको ये तो सिर्फ दो ही लोगों ने देखा फिर दस लोगों ने देखा तो वो व्यूज़ को काउंट करते रहते हैं और होता क्या है कि बीस पच्चीस वीडियो के बाद वो थकार कर बैठ जाते हैं मैं एक चीज़ उनसे कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई वीडियो या ऑडियो कुछ भी आप डाल रहे हैं तो आप व्यूज़ वगैरह के चक्कर में ना पड़ें आप डालते रहें ठीक है हो सकता है कि आपको इतने ही लोग देखें लेकिन एक चीज़ जो आपकी दुरुस्त होगी वो ये कि आप को बात करने का सलीका आ जाएगा पहली वीडियो में नहीं आएगा दूसरी में आ जाएगा पांचवी में आ जाएगा दसवीं में आ जाएगा बात करने का एक सलीका आ जाएगा आ, और ये सलीका आना भी बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन एक काम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल तवास के साथ साल दो साल करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि लोग फिर आपकी तरफ मुतवज़ ना हो कंटेंट अगर आपका यानी हालात हाजरा के मुताबिक है प्रेजेंटेशन आपकी उस जबान में है कि जिस जबान को लोग समझते हैं और कंटिन्यूस है तो फिर लोग आपको सुनेंगे अगर यही मतमा नजर है कि लोग मुझे सुनें लेकिन असल मतमा नजर ये नहीं होना चाहिए आप काम करते रहें जिसको सुनना है वो सुनेगा जिसको नहीं सुनना है वो ना सुने अच्छा चूँकि आप दालम से फारिग हैं तो दालूम का फतवा तो इसके बरक्स है क्या कभी उसकी तरफ से कोई डांट तो नहीं पड़ी इस पर <laughs> मुझे आज तक अलहमदिल्ला ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि उस ने मुझे इस काम से रोका हो कुछ इस चीज़ को बुनियाद बनाकर और उसकी वजह यह है कि ये एक इख्लाफी इजतहादी मसला है यह कोई मुतफ़ आले मसला नहीं है पूरी दुनिया के मुसलमानों का हाँ ये तरजीही बुनियादों पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ हज़रा के नज़दीक राजा यह है कि वीडियोग्राफी दुरुस्त नहीं है कुछ के नज़दीक राजा ये है कि दुरुस्त है आ, बेंगलोर के एक मशहूर आलिम है एक ज़माने तक के उनका मौकफ बड़ा सख्त रहा कि नहीं जी बिल्कुल फ़ोटो वोटू सब हराम बिल्कुल उसके बाद उन्होंने बाकायदा रुजू किया और फिर किताबें लिख दी उसके हक हाँ में अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौके बदलते रहते हैं के और ये चूँकि कुरान और सुन्नत का मनसूस सरीह कतरे युदाल सबूत मसला नहीं है जब ये नहीं है तो उलमा के इश्हादात मौके की मुनासबत से और जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता रहता है उसके एतवा से बदलते रहते हैं तो दारालूम देवबंद के का फतवा सनाखों पर लेकिन जिस तरीके से हमारे अपने ही इस ने हमें ये सिखाया है कि वो अपने से बहुत सी चीज़ों के अंदर इख्लाफ़ करते हैं अदब के साथ इख्लाफ करते हैं हम इस मौजू पर अख्तलाफ करते हैं एक होगा एक होता होता है है मुखालफत तो मुमकिन ही नहीं है जी मुखालफत तो वो करे कि जो अपने का गुस्ताख हो जो अपने इदारे की हैसियत और उसका जो एहसान और फ़जल है उसका मुनकिर हो ये तो मुमकिन ही नहीं है हाँ इख्तलाफ जो है वो खुद ही हमारे इस हमें सिखाया कि कैसे अदब के दायरे में इख्तलाफ करना है मैं अपने तमाम इस में जो जिनको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ बड़े सिर्फ एक नहीं कई सारे हैं ऐसे लेकिन उनमें हजरत मुफ्ती सईद पालनपुर रही का नाम नामी आता है और ख़ुद उनका फतवा इस तल्ल से इस यानी बड़ा शदीद रहा है कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है लेकिन खुद मुफ्ती साहब रहीम ने हमें अपने दर्स में ये सिखाया कि कैसे वो बहुत से मौाक़े के ऊपर अपने बड़ों से इख्लाफ करते थे और तफरुद उनका था ये मेरा तफरुद नहीं है कि मैंने कोई नया फतवा दे दिया हो बल्कि मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि भाई मैं इन मुफ्तियाने के नाम के वजह से ताल्लुक़ रखते हैं तो कोई हरज नहीं है तो आप दार में शुरू से पढ़ें अव्वल से मैंने साल सोम में दाखिला लिया है उससे पहले उससे पहले मैं घर पर ही पढ़ता था वाले साहब से और एक उस्ताद और थे

वो तो आना जाना मुस्तकिल रहा बचपन से तो इसलिए फिर वहाँ चले गए तो मदरसा पहले से है वहाँ पर हैं। हाँ मदरसा पहले से उसके बानी कौन है उसके बानी मेरे परनाना और नाना दोनों ही हैं और मैं मैंने जैसे कहा कि खाली मैं उस मदरसे में नहीं हूँ और भी मदारस से मैं वाबस्था हूँ तो लेकिन बहरहाल जिस मदरसे में से मैंने अपना तदरीसी जिंदगी का आगाज़ किया सो उसके बानी मेरे नाना हैं और वो मेरे परनाना हजरत मौलाना मोहम्मद नईम साहब की उमर और दुआओं से कायम हुआ है वो लाल शेखुलदीस से एक सवाल आपकी से बनता है कि कमेंट में लोग सवाल पूछ रहे थे कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था क्या आप अपने नाम के साथ क्यों लिखते हैं मेरे दादा हजरत मौलाना वाजिद हुसैन साहब नव् उमर शेखुलदीस जामिया तलीम ढाबेल चूंकि उनका नाम वाजिद था तो हमारे पूरे दिहाल में खानदान में सब लोग अलवाजदी ही लगाते हैं मेरे वालिद लगाते हैं मेरे तमाम चचा लगाते हैं तो इसलिए ये अलवाजदी नाम का लाखा है आपका जो यूएसए मदरसा है असरी भी पढ़ाए जाते हैं है? माशाला जी आखिर हमने आपसे बहुत सारे सवाल किए अलहदुल्ला आपने भरपूर जवाब उनके दिए और हमें खुशी हुई कि हम आप आज आपके आज, आज, आज साथ बैठे हुए हैं हमारे लिए बड़े फखर की बात दारक है दारक तो आखिर में हमारे व्यूर्स के लिए कुछ मैसेज दे दें अपनी दे, हसना से दे मैं एक चीज़ हमेशा ये कहता हूँ और वो ये है कि आप अगर, अगर अपने आप को शकूक व शुबहत से बचाना चाहते हैं तो आप कम से कम अपने आप से ईमानदारी करें और वो ईमानदारी का इजहार इस तरह करें कि आप ये सोचें कि जितना मैं जानता हूँ क्या वो काफ़ी है दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो ये दावा करे कि वो सब कुछ जानता है हम जितना जानते हैं वो उससे कहीं कम है जितना हम नहीं जानते हैं जब ये बात है तो अगर हमें किसी आयत किसी हदीस या किसी फिकी मसले या तारीख के किसी वाक्य के ऊपर कोई शक हुआ साहब के राम की जिंदगी या रसूल की अखलाकियात के तल्लुक से कोई मसला हमें अगर परेशान कर रहा है तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये परेशान इसलिए कर रहा है कि चूंकि मुझे मुकम्मल बैकग्राउंड मालूम नहीं है मैं रिसर्च करूँगा मैं सोचूँगा मैं उलमा से गुफ्तू करूँगा खुद मैंने ये बात सोशल मीडिया पर कई मरतबा कही है वीडियोज़ में कि मेरे साथ जाती तौर पर ऐसा हुआ कि मुझे दो दो साल लगे हैं किसी एक मसले पर तशफ़ी बख्श जवाब हासिल करने में मुख्तलिफाजा से रबता किया पढ़ा मुताल किया खुद तशफ़ी नहीं हुई फिर बाज़ मरतबा तशफी दो साल के बाद हो जाती है और अचानक कोई बात जहन में आ जाती है तो इसलिए अपने जहल का एतराफ़ करना सबसे बड़ी ईमानदारी है और जब तक आप ईमानदार रहेंगे इस अतबार से इन शाह कभी भी कोई इलाहादी और इतदादी फितना आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता अच्छा आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया जबकि आपकी आपकीसती से मैंने पहले भी कहा कि आप हम वाकिफ़ हैं जब हमने आप, कल आपसे वक्त मांगा तो आपने उससे कह दिया कि आपका चैनल है क्या है तो आपने वक्त दे दिया ये आपका बहुत शुक्रिया तो आप कितने दिन तक यहाँ रहेंगे इंडिया में भाई ये ना पूछें ठीक है जजाकल्ला आपका शुक्रिया ठीक तो यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल अल्लाह मुफ्ती साहब को जजाय खैर फरमाए अल्लाह मुफ्ती साहब जैसे उम्मत में पैदा फरमाए आप जैसे उलमा की ज़रूरत है अल्लाह तबारा तौला आपको तदर कायम रखे मुसलमानों पर आपका सया तदर क़ायम रखे आपको इस्तेमाल नसीब फरमाए व वर्क